हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम जाने वाले पारा मेडिकल स्कूल और आपको सभी चीज़ें अच्छे से दिखाएंगे। और पिछले वीडियो में मनोज दे सर ने कमेंट किया है तो उसके बारे में भी कुछ बताएंगे। तो गाइस, फिलहाल अभी हम निकल रहे हैं घूमने के लिए पारा मेडिकल स्कूल। तो गाइस, आज की वीडियो जो है सारी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो हम फिलहाल पहुंच चुके हैं पैरामेडिकल के पास, आपको ये दिखता होगा ये घर। तो अब जैसे हम घूमते हैं तो गाइज आप ये देख सकते हैं कितना सुहाना सा ये पैरामेडिकल स्कूल है। हम आज आपको एक्सप्लोर कराने की कोशिश करेंगे। तो गाइज, हमें जितना हो सकता है उतना हम ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। गाइज, यह वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये बेंच आप देख सकते हैं कैसे रखा हुआ है। तो गाइस, ये कुछ दिनों की हो जाएगा और ये रूम जो देख रहे हैं बहुत ही स्वच्छ है। तो गाइस, हम अभी आगे आपको एक्सप्लोर कराते हैं। तो सो गाइस, यहाँ से आपको लुक जो है बहुत ही तगड़ा वाला मिलेगा, बहुत ही आपको शायद देखने में अच्छा लगेगा क्योंकि हरी भरी घास है, बहुत ही अच्छी सीन्स है। तो गाइस, अभी हम आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरा दोस्त है, बहुत ही अच्छा आदमी है और काफी तगड़ा है। तो गाइस, अभी देख सकते हैं ऊपर ये बहुत सारी बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा, ऑन ऑफ होती है। और गाइस, ये ऊपर भी जाने की छत है। और गाइस, आगे जो है बहुत ही अच्छी कैंटीन है, वो भी आप देखिए। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ जो पेंटिंग की खूबसूरती है वो दिखाई गई है गाइज। तो ये थी आज की हमारी एक्सप्लोरेशन। और गाइज, और ये कुछ अंधेरी है तो गाइज आपको ये दिखती नहीं होगी, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ गाइज। बस आप ये देख सकते हैं और यहाँ पे टोटी है और गाइज, और यहाँ की बहुत ही अच्छा लुक आता है। गाइज, अभी जो आप पीछे देख सकते हैं वो खेती हो रही है, बहुत ज़्यादा खेत होगा। तो गाइज, आज की जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि मनोज सर ने मुझे कमेंट किया है कि जो आप थोड़ा वीडियो को लॉन्ग बनाया कीजिए, उससे मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास जो है अच्छी फ़ोन नहीं है। मेरे पास 3 GB रैम है और 32 GB रोम वाली फ़ोन है जो अच्छे से एक्सपोर्ट नहीं हो पाती है ज़्यादा देर की वीडियो, तो इसीलिए शायद नहीं हो पाती होगी। और दूसरी बात बताई है कि आप कॉन्फिडेंस से बोलिए। तो गाइज, हो सकता है मैं कुछ गलती किया हूँ और मैं मतलब धीरे धीरे करके इम्प्रूव करता रहूँगा, कंटेंट अच्छा अच्छा देता रहूँगा और कॉन्फिडेंस से बोलूँगा गाइज। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।